वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आज मैं लाया हूँ जो अभी हिंदी 50 मार्क्स का जो एग्जाम हुई है उसका आंसर शीट। चलिए सीरीज ए को मेरे को क्वेश्चन मिला है तो ए का आंसर मिलाइएगा, क्वेश्चन भी साथ में लिखा हुआ है ताकि आप किसी भी सीरीज का आंसर मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कर्म के जादूगर दुराम ब्रिज दैनिक हुई। दूसरा क्वेश्चन है रामधारी श्री दिनकर का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी में, और एग्जैक्ट याद करना चाहते हैं तो 23 सितंबर 1908। दूसरा है पिटूटा व गणतंत्र कैसी विद्या है, तो एकांकी विद्या है पिटूटा व गणतंत्र। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो गौरा ऑप्शन में था, राइट आंसर होगा आधुनिक युग की मीरा महात्मा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रेमचंद की रचना कौन है, तो गोदान ऑप्शन में था, तो गोदान राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार है, तो निबंधकार है। भारत माता ग्रामवासिनी के कवि सुनेत्रानंदन पंत, रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जीवन की झरना 10वां क्वेश्चन था, आर सी प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन था सीरीज ए का, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद, तो 4, कारक के 8। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण 11 हुए हैं। मोती का लिंग निर्णय करना था, तो मोती एक स्त्रीलिंग है, और साथ ही साथ उसके बाद यानी 16 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कलम का लिंग निर्णय, तो स्त्रीलिंग होगा। ज्ञान का विलोम अज्ञान, यानी ज्ञान का उल्टा पूछा जा रहा था। अन्याय का संधि विच्छेद, तो अन्याय का अन्य जोड़ न्याय होगा, और गणेश का गण ये वाला न होगा, और भी ऑप्शन था, तो बहुत लोग डाइवर्ट हो गए हैं, तो गण जोड़ 30 होगा। नेक्स्ट है धर्म का विशेषण, तो धर्म का विशेषण धार्मिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 21, श्रृंगार का विशेषण, तो श्रृंगार का उसमें कौन सा विशेषण था, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही आंसर है। मानव का विलोम, तो मानव का उल्टा होता है दानव। लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। माँ बाप कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। और हिंदी में लिंग कितने रूप है, तो राइट आंसर इज 2। तो हुआ कंप्लीट आज का आंसर, आप इसको मैच कीजिए और फिर देखिए कि कितना मेरा सही हुआ है। बाकी थैंक यू सो मच।